बहुजन समाज के बड़े गठबंधन से बीजेपी और कांग्रेस हिली पड़ी हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल जाते हैं बोलते बोलते। कहते हैं छाछ तो छाछ, अब छलनी भी बोले। वही किया है मोदी सरकार ने। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि भाजपा जो बनी हुई है वो 37 लोगों की पार्टियों से गठबंधन से बनी हुई है, और कांग्रेस भी 28 पार्टी मिली हुई है, तब वो भी गठबंधन से अपनी सरकार को कहीं ना कहीं बना के बैठी हुई है। बहुजन समाज के सिर्फ सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन को देखते हुए मोदी सरकार ने बोला, गठबंधन को कहा शराब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इन तीनों पार्टियों से पहले अक्षरों को मिलाकर शराब बनती है। शराब से तुलना की जाने पर विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उत्तर प्रदेश में सपा रालोद बसपा को महामिलावट बताते हुए मोदी ने विपक्षी पार्टी की तुलना शराब से की। मेरठ में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सपा के रालोद के रा और बसपा के बा को मिलाकर शराब बनती है, सेहत के लिए खतरनाक होती है, इसलिए गठबंधन से सावधान रहें। विपक्षी दलों की ओर से मोदी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, और कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी की तुलना शराब से करने के लिए मोदी से माफी मांगने को कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर नफरत के नशे को फैलाते हुए कहा, आरोप लगाया और कहा कि वह शराब और शराब के बीच में अंतर को नहीं जानते हैं, खुद 37 और 28 का गठबंधन करके बैठे हैं और बात करते हैं सपा बसपा के गठबंधन की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने कहा, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने विपक्षी राजनीतिक दलों की तुलना शराब से करके गरीबों का अपमान किया है। आप या तो अपने शब्दों को वापस लें या फिर माफी मांगें। यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर ट्वीट कर कहा कि आज टेलीप्रॉप्टर ने यह पोल खोल दी है कि शराब और शराब का अंतर वह लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि शराब को मृग तृण भी कहते हैं, वह धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है लेकिन जो कभी पूरी नहीं होती। अब जब नया चुनाव आ गया है तो वह नया शराब दिखा रहे हैं। आज भाजपा सरकार क्यों नहीं करती अपने पुराने वादों को याद? आज दिखाती है सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं करती 15 लाख देने का वादा पूरा, 2 लाख नौकरियां देने का वादा। कहां चले गए मोदी सरकार के वो वादे? अब जब देश में सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मायावती बन रही हैं, तो यह नए नए तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।